बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रेमर रूल, क्लास 9th 1.6 एक्सरसाइज। और ये सवाल हर साल पेपर में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है उसका पहला सवाल यही पूछा जाता है, सॉल्व बाय क्रेमर रूल और सॉल्व या होता है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ क्रेमर रूल के बारे में। तो पहला हमारे पास जो मैट्रिक्स है 2x-2y = 4, 3x+2y = 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले क्रेमर रूल में क्या करना है कि हमारे पास जो कोफिशेंट्स होंगे x और y के, हम उनको अलग करेंगे। हमारे पास x का कोफिशेंट 2 है, फिर -2 है, 3 उसके बाद 2। साथ हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं x और y, जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x और y आ गया और आगे हमारे पास नेक्स्ट इक्वल के सामने होगा 4 और 6। अब पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उसको हम A का नाम देंगे, 2-2, 3 और 2। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने मॉड फाइंड करना है, A मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास 2-2, 3, 2 है। अब हम डायगोनल को अलग-अलग मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 2, और दरमियान में हमेशा अलामत जब हम डिटर्मिनेंट इस्तेमाल मालूम करें तो माइनस की आती है। तो ये माइनस आ गई 3 × -2, तो आपस में ये 2 और 2 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 6, 4+6 हमारे पास 10। अब इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 आ गया तो फिर हम उसका क्रेमर रूल फाइंड नहीं कर सकते, मतलब फिर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए A डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना लाजमी है। नेक्स्ट, अब इसमें जो चीज़ें देखने वाली होती हैं, तो सबसे पहले आपने देखना होता है ए एक्स और ए वाई। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने फाइंड करना है ए एक्स, तो जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये 4 और 6, इस 4 और 6 को हम पहले कॉलम में लिखेंगे और आगे हमारे पास जो ए की जगह दूसरा कॉलम वैसे एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले कॉलम में था, ए में 2 और 3 था, तो 2 और 3 रिप्लेस होकर 4 और 6 आ जाएगा, -2 और 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम इसका मार लेंगे ए एक्स का, उसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, तो फिर 4 2 = 8 और -(-) प्लस हो गया, हमारे पास क्या आ गया 6 2 = 12, तो हमारे पास 20 आ गया। नेक्स्ट ए वाई की हमारे पास फिर बारी है, तो ए वाई की जगह हम क्या करेंगे, 4 और 6 ऊपर वाली इक्वेशन में जो था 4 और 6, तो ये वाई की जगह सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो 2 3 हो गया, 4 और 6 हो गया, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 6 = 12 और -3 4 = 12 = 0। अब एक्स का जो फार्मूला है ना क्रेमर रूल में, वो हमारे पास होता है ए एक्स मार्ड ओवर ए मार्ड। ए एक्स हमारे पास है 20, ए हमारे पास है, ए का मार्ड है 10 और 10 2 = 20, तो फिर हमारे पास कितना आ गया 2, और ए वाई हमारे पास है 0 और ए मार्ड हमारे पास है 10, तो 0 और 10 जब हमारे पास डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इतना सा सवाल है 4 नंबर का, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है 9th क्लास में। 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, 2x+y = 3, 6x+5y = 1। अब x की जगह हमारे पास है 2 और y की जगह है 1, फिर x की जगह 6, y की जगह 5 है, और हमारे पास x और y आ जाएगा 3 और 1। उसी तरह a की जगह हम लिखेंगे 2, 1, 6 और 5 हमारे पास बनेगा। अब a मॉड हम लेंगे तो 2 5 = 10 और -6 1 = 6, तो 10 - 6 हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 is not equal to 0, 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब हम इसका क्रेमर रूल यूज़ करके x और y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फिर हम ए एक्स मालूम करेंगे, तो एक्स की जगह हमने क्या करना है, 3 और 1 जो पहली इक्वेशन है उसमें हम पहले कॉलम में लिख देंगे 2 और 6 की जगह 3 1 आ गया, आगे 1 और 5, फिर इसका मॉड लेंगे तो 3 5 = 12 15 -1 × 1 हमारे पास क्या आ गया 1, तो हमारे पास क्या आ गया 14। फिर ए वाई लिखेंगे 2 3 = 6 2 1 = 6 and 6 3 = 18 हमारे पास -16 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स का मॉड हमारे पास 14 था और एक हमारे पास था 4, तो 2 टेबल जाएगा 7 2 = 14, 2 2 = 4, तो 7/2 आ जाएगा, और ए वाई हमारे पास -16/4 है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट देखें, 3rd 4x+2y = 8, 3x-y = -1। उसी तरह 4 आ गया, 2 आ गया, 3 और -1। अब यहाँ पे देखें, जब पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन लिखी हुई इसके साथ जो अलामात हैं वो लाजमी लिखनी है, अगर अलामात नहीं लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। 4 × -1 हमारे पास -4 और -3 2 = 6, तो माइनस का 10 आ गया। ए एक्स में हम क्या करेंगे,
हमारे पास जो वैल्यू है एट और माइनस वन स्टार्ट में आ जाएगी, एट माइनस वन टू और माइनस वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास एट वन ज़ार एट और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, टू वन ज़ार टू, तो माइनस का सिक्स आ गया। ए वाई में हम क्या करेंगे, फोर वन ज़ार फोर और माइनस थ्री एट ज़ार फोर्टीन, तो माइनस ट्वेंटी एट आ गया। वैल्यू पुट करेंगे माइनस सिक्स बाई टेन, माइनस टेन माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, थ्री थ्री टू ज़ार सिक्स, फाइव टू ज़ार टेन, और माइनस के साथ माइनस कैंसिल, फोर्टीन टू ज़ार ट्वेंटी एट और फाइव टू ज़ार टेन। उसके बाद ये नेक्स्ट दिया हुआ है, थ्री है, माइनस टू है, माइनस सिक्स है, फाइव है, माइनस टू है और माइनस टेन। थ्री और माइनस टू बन जाएगा फाइव, माइनस टू एक्स वाई आ जाएगा, माइनस सिक्स और माइनस टेन आ जाएंगे। एक हम फिर मार देंगे तो थ्री टू ज़ार सिक्स माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फाइव टू ज़ार टेन, फोर आ गया। ए एक्स करेंगे तो माइनस सिक्स और माइनस टेन स्टार्ट वाल में आ जाएंगे, माइनस टू और माइनस टू हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का एट। फिर ए वाई में माइनस सिक्स और माइनस टेन एंड पे आ जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस थर्टी प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखें ए इज इक्वल टू है थ्री फोर माइनस टू, ए थ्री माइनस टू माइनस सिक्स और फोर। अब यहाँ पे देखें ए मॉड थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व, माइनस हमारे पास फार्मूले वाला आ गया, माइनस सिक्स इंटू माइनस टू हमारे पास माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व आ गया, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। सिंस इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। वही बात है कि जब हमारे पास मॉड ऑफ ए ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, और कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स में हम एक्स और वाई वगैरह की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ना तो क्रेमर रूल इस्तेमाल करके और ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करके। होपफुली आपको क्रेमर रूल की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।